है उसको कैसे मुलाजमों के मुताल करवाए वो ट्रेड यूनियन के जरिए से ही हल होते हैं। और ट्रेड यूनियन जो जम्मू कश्मीर में है, जो हमारे डेली वेजर्स का इशू बड़ा बर्निंग इशू अगर है वो डेली वेजर्स का है, सीपी वर्कर्स का है, टेम्पररी जो इसके अलावा भी कुछ और ओहदे भी हैं हर डिपार्टमेंट से हमने एक एक लेना, वो हम कन्वेंशन में अनाउंस करेंगे। वो हम कन्वेंशन में अनाउंस करेंगे और देखेंगे कि इस कन्वेंशन के लिए किसका क्या रोल बनता है, किसका कितनी मेहनत बनती है, वो बाकी लोगों को हम कन्वेंशन के बीच में अनाउंस करेंगे। ये दो आदमी हमने बस हो गया बस इतना चलो, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट को खुसूसी तौर पर ये आप दिखाइएगा, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का, और ये हमारे बानू प्रताप जी इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, तो ये नजीर साहब हमारे आरआई जनरल सेक्रेटरी स्टेट के, तो ये आगे जो बकाया टीम है वो हम कन्वेंशन में कंप्लीट करेंगे सब साथियों के साथ मशवरा करके, तो वो उस वक्त अनाउंस करेंगे। मैं तवक्का करता हूँ कि इसको आप पूरा कवर करेंगे इस टीम के जो 21 नवंबर को प्रपोज हुआ है कन्वेंशन जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए रखा गया है, उनसे बात करेंगे। तो चाहे वहां रहे या चाहे कहीं और रहे, हम सब लोगों का ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस प्रोग्राम को, क्योंकि वो पहला प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन में, जब अगर उसको कामयाब करना है तो हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। देखिए मुलाजिम, मैंने आपको कहा ट्रेड यूनियन क्या है, एक डर होता है उन लोगों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे होते हैं और जो मुलाजमीन के जायज मुतालबात को हल करने में घबराते हैं। तो ट्रेड यूनियन जब मजबूत होगी तो मुलाजमीन के जितने भी इश्यूज होते हैं, जनरल इश्यूज होते हैं, तमाम जरूरी इश्यूज पर की है, और मुत्तफिका तौर पर हमने ये फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज तकरीबन खत्म हो चुकी है, तो एक बार फिर हमारी हिस्ट्री रही है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी वर्किंग क्लास का आंदोलन हुआ हो तो उसका बिगल हमने ही बजाया है, इनिशिएटिव हमने ही लिया है। तो इसलिए आज फिर हमने वर्किंग कमेटी का ये इजलास आज 27 अक्टूबर को करके ये फैसला किया है कि आगे हम पूरी रियासत का एक बड़ा कन्वेंशन कर रहे हैं। जम्मू में वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सकता है या कहीं उस 21 नवंबर को अगर पॉलिटेक्निक में ना हो सके तो जो अवेलेबल कन्वेंशन हॉल होगा उसमें करेंगे, लेकिन डेट हमने डिसाइड कर दी है। कंसोलिडेटेड वर्कर्स के इश्यूज हैं, हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट है पॉलिटेक्निक में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके मसले हैं। इन सभी मसलों पर 21 नवंबर को स्टेट लेवल कन्वेंशन में पूरी रियासत की तमाम ट्रेड यूनियंस की लीडरशिप बैठकर डिस्कशन करेंगे और एक फैसला करेंगे और रेजोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे और आगे एक बड़ा जो जदोजहद है, बड़ी जदोजहद है वो शुरू करेंगे। और मैं रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी कर्मचारियों को, तमाम डिपार्टमेंटों में काम करने वाले कैजुअल लेबर्स, डेलीगेटेड वर्कर्स, कंसोलिडेटेड वर्कर्स, इन सब ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रोग्राम हुए, हमने देखा क्या कि जैसे भी सरकार है तस्की मासी उन्होंने, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी LDUF है इसकी जैसे आज इन्होंने घोषणा की है मेरे लिए भी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मुलाजिम हैं, परमानेंट मुलाजिम है जिन्होंने सिख पे हमेशा में इनका साथ दिया, जैसे कश्मीर के साथ भी 21 तारीख को आ रहे हैं, हम सभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हुए सबसे पहले जो 8,000 लोग हैं सबसे पहले इनका मुद्दा उठाया जाएगा, जो प्रायोरिटी में मुद्दा है जैसे हमारी सारी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि जो 8,000 लोग सबसे पहले इनको साथ दिया जाएगा, इसलिए हम जितने भी ट्रेड यूनियन अलग अलग लोग इस टाइम अलग अलग बैनरों के तले चल रहे हैं वो एक बैनर के नीचे आए, और आने वाले दिनों में हम सरकार के साथ जो भी आंदोलन होगा LDUF के बैनर के नीचे होगा। डियर फ्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का स्टेट वर्किंग कमेटी का यहाँ पर हमने इजलास बुलाया था। ये चूंकि हालात यहाँ मुख्तलिफ थे, कोविड की वजह से हमारी एक्टिविटीज पिछले 3 साल से तकरीबन सस्पेंड रही हैं, तो और रियासती जो आपको पता ही है पोलिटिकल हालात भी जो थे तो वो भी डिस्टर्ब थे, उस वजह से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज इतनी होनी चाहिए थी, रेगुलर करते थे, वो नहीं हुई। तो लिहाजा अब हमने एक बार फिर फैसला लिया है आज इजलास में कि हम जम्मू कश्मीर में वर्किंग क्लास की, सरकारी कर्मचारियों का, डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर्स का और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के जो मसाइल हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के प्लेटफार्म से उठाएंगे। और आज हमने फैसला किया है कि हम
जम्मू कश्मीर के तमाम जिला लेवल की जो लीडरशिप है, ऑल डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और बाकी सरकारी कर्मचारी, वो सभी लोग 21 नवंबर को जम्मू में हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में या जो भी का हॉल अवेलेबल होगा, 21 नवंबर को एक स्टेट लेवल का एक कन्वेंशन करेंगे जहां पर तमाम इश्यूज पर डिटेल्ड डिस्कशन होगी, डिबेट होगा और आगे की रणनीति जो है जदोजहद की वो तय होगी। आज के वर्किंग कमेटी के इजलास में जहां हमने 21 नवंबर को ये कन्वेंशन करने का फैसला किया है, जिसमें कश्मीर की लीडरशिप भी पार्टिसिपेट करेगी, जम्मू की भी पार्टिसिपेट करेगी, इस आज के वर्किंग कमेटी के इजलास में एक फैसला हमने ये भी किया है, क्योंकि मैं इस जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का सदर हूं, लेकिन मैं चूंकि अब सेहत का भी तकाजा है और अब मैं ज्यादा टाइम इधर हेडक्वार्टर पर नहीं दे सकता, उस वजह से काम सफर होता है, तो मैं हर वक्त यहाँ नहीं होता, इसलिए हमारा काम सफर ना हो, मैंने जो मेरे आज तक पिछले 25 साल में नायब सदर रहे हैं राजेंद्र कुमार जी, नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के जो नायब सदर थे, उनको अपग्रेड किया है और उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। जब प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर पर हाजिर ना हो, इधर उधर हो, तो मशवरा करके टीम के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट काम चलाने के लिए पूरा अथोराइज होगा, इसलिए राजेंद्र कुमार जी आज से जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के वर्किंग प्रेसिडेंट, और भानु प्रताप सिंह जी जो हमारे डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान हैं, उनको जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट मुकर किया गया है। बाकी कुछ ओहदे भी खाली हैं, उनको हम कन्वेंशन में फिल अप करेंगे। ये दो बातें हमने आज अनाउंस की हैं।